नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सबके लिए मुश्किल भरा साबित होने जा रहा है। इस बार मुद्दे बहुत हैं लेकिन चांस काफी कम है। जनता का मूड किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं है। शायद यही वजह है कि अब पार्टी के संकट मोचक का गुस्सा और नाराजगी भी कोई असर नहीं डाल रहा है। राजद में सब ठीक नहीं चल रहा है, तूफान उठा है, सियासी आंधी चल रही है। लालू परिवार के बेहद महत्वपूर्ण रघुवंश प्रसाद सिंह खफा हैं। लालू मनाने में जुटे हैं लेकिन आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं है कि वोट बैंक को लेकर के तमाम सियासी उथापुथल देखने को मिल रही है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के गुस्से और नाराजगी की भी चिंता नहीं करते हुए रमा सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हुए कि रमा सिंह रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच में सब कुछ सही नहीं चलता है शुरू से ही। लालू प्रसाद यादव हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह हो, दोनों ही रमा सिंह के विरोध में हैं और रमा सिंह भी एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव का पुरजोर विरोध किया करते थे। ऐसे में जब रमा सिंह और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, खबर निकल करके ये आती है कि वो पार्टी में आ सकते हैं, उनको शामिल कराया जा सकता है। आपको याद होगा कि रांची के रिम्स अस्पताल में पहुंचे हुए थे रमा सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। एक दौर वो भी था, एक दौर आज भी है जब रमा सिंह और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह खफा हो गए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आनन फान में इस्तीफे को कैंसिल कर दिया और सब कुछ ठीक होने की बात उन्होंने कही, लेकिन इसके पीछे की राजनीति कुछ इस कदर है कि तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लिए रमा सिंह को पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 से 45 हजार राजपूत वोटों की संख्या है। शुरू से ही आरजेडी के खिलाफ वोट करते आ रहे हैं ये राजपूत। तेजस्वी यादव बीजेपी के इसी कैडर वोट बैंक में अब सेंधमारी करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के पास जो रमा सिंह को लेकर फीडबैक है उसके मुताबिक रमा सिंह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर इलाके में राजपूत वोटरों को आरजेडी के लिए गोलबंद कर सकते हैं। विदुपुर के करीब 20 पंचायतों में तकरीबन 20 से 22 हजार राजपूत वोटरों की संख्या है। इसी वोट बैंक में तेजस्वी यादव सेंधमारी करना चाहते हैं, उनकी नज़र है। देखिए, सवर्ण वोट राजद को हमेशा से नकारते आ रहे हैं, राजद को वोट नहीं करते हैं, लेकिन अब पार्टी में सवर्णों को तवज्जो दी जा रही है और तवज्जो इसलिए दी जा रही है ताकि जो फॉरवर्ड वोट बैंक हैं, जो राजपूत वोट बैंक हैं, वो राजद की तरफ आएं और राघोपुर विधानसभा सीट को एक बार फिर से जीतने में तेजस्वी यादव को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो अगर रमा सिंह पार्टी में आते हैं तो। ऐसा कहा जा रहा है, चुनावी गुरु मान रहे हैं इस तरह से कि तेजस्वी यादव की जो दूरदृष्टि सोच है वो यही कह रही है कि रमा सिंह अगर पार्टी में आते हैं तो वहाँ के जो राजपूत वोटर हैं वो तेजस्वी यादव के फेवर में, यानी कि राजद के फेवर में वोट करेंगे, जो कभी से शायद नहीं करते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी मानना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद और लालू परिवार के लिए संकट मोचक शुरू से रहे। लालू प्रसाद यादव के साथ पगडंडियों पर चले हैं, पद से पद, कदम से कदम मिला करके वो राजद का बचाव शुरू से करते आ रहे हैं और समाजवादी नेता माने जाते हैं। राजनीति में काफ़ी कद्दावर छवि है उनकी, बेझिझक बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के सब जानते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह की मौजूदगी कितनी ज़रूरी है। इधर जब पीएम नरेंद्र मोदी का फ़ोन आ जाता है उनका हालचाल जानने के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह का इम्पोर्टेंस जो है वो बीजेपी भी अच्छे से समझती है। आपको याद होगा जब केंद्र में मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह तो नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो यूपीए की सरकार थी, फिर भी नरेंद्र मोदी रघुवंश प्रसाद सिंह के योजनाओं की काफ़ी तारीफ करते थे, उनके एक्टिवनेस की काफ़ी तारीफ करते थे। अब जो है कि राजद में रघुवंश प्रसाद सिंह गुस्सा है, नाराज है, खफा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है लालू प्रसाद यादव के गैर मौजूदगी में। ऐसे में कहानी कुछ इस कदर है कि सवर्ण वोटों के लिए क्या राजद जो है वो अपने पार्टी के जो कद्दावर छवि के नेता है उनसे समझौता करेगी, क्या तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।